हेलो फ्रेंड्स वेलकम यू टू अ न्यू वीडियो तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे ग्लास पेंटिंग किया जाता है और ग्लास पेंटिंग हम लोग ज़रूर सीखेंगे लेकिन वो विदाउट ग्लास कैसे किया जाता है तो देखिए ग्लास पेंटिंग के लिए हम लोग को पहले चाहिए ऐसे एक ग्लास कलर ये फेब्रिक का है अब तुम लोग दूसरा भी खरीद सकते हो तो ये ग्लास कलर है टेन शेड्स का इसके अंदर टेन कलर्स रहते हैं ऐसे और रहता है एक लाइनर इसे बोलते हैं लाइनर ठीक है liner, और चाहिए एक ईयरबड और एक सेफ्टी पिन एंड ऑफ कोर्स अ शीट्स दिस ये लुक लाइक अ ग्लास इसके ऊपर ही हम लोग ग्लास पेंटिंग बनाएंगे क्योंकि ग्लास में करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन टेक्निक सेम है मुश्किल ये है कोई हाथ काट सकता है आप लोग का वो ज़्यादा कॉस्टिंग होता है कॉस्टली हो जाता है तो इसीलिए हम ये शीट्स का यूज़ कर सकते हैं इसे एक्चुअली ओ एच पी शीट किया जाता है तो कोई भी स्टेशनरी शॉप्स में जाके आप लोग अगर ये नाम पता भी नहीं रहा तो बोल सकते हैं ग्लास पेंटिंग करने का पेपर दीजिए ऐसे वो एच पी शीट हम लोग को दे देगा ठीक है और ये बहुत ही कम दम का है ये थ्री टू फाइव रुपीज़ में आपको मिल जाएगा और ये सेफ्टी पिन, इसको हम बाद में बताएंगे क्या करना है और चाहिए एक पिक्चर ऐसे एक पिक्चर मैंने पहले से ही ड्रॉ करके कर रखा मैं जीसस क्राइस्ट का एक ग्लास पेंटिंग बनाने जा रहा है तो ऐसे एक पिक्चर मैंने बना लिया पहले से कोई कोई भी पिक्चर लेके आप कर सकते हैं मैंने जीसस क्राइस का बनाया खाली आपको ध्यान रखना है जो ये जो पिक्चर है ये इससे बड़ा ना हो जाए देखिए ऑलमोस्ट सेम साइज़ का है मेरा पिक्चर तो इसके ऊपर इसको ठीक से सेट करना है ठीक है इसको मैंने सेट कर लिया अच्छा है इसको क्लिप से लगा लीजिए और सेलोटेप से लगाने से और भी अच्छा होगा तो इसको मैंने सेट कर लिया अभी ये ग्लास लाइनर है इससे हम लोग को बॉर्डर बनाना है कैसे बनाना है ऐसे एक ट्यूब रहते हैं। तो इसको मैंने खोल लिया कैप को और ये जो लाइनर बनाने का जो सामान है इसको मैंने इसके ऊपर सेट कर दिया लाइक दिस फिर इसको ओपन करना है ऐसे तो इसको फर्स्ट हम आउटलाइन बना लेते हैं ऊपर से आउटलाइन बनाने से अच्छा है क्योंकि नीचे में पहले बनाने से ये खराब हो सकते हैं तो मैंने ऊपर से स्टार्ट कर देखिए ऐसे प्रेस करने से ऐसे लाइनर निकलेगा इसको मैंने लाइन के ऊपर से हमको ऐसे करके लाइन बनाना है ज़्यादा पतला होने से ग्लास पेंटिंग का जो कलर है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है वो बाहर निकल जाएगा ऐसे धीरे धीरे लाइन के ऊपर से लाइनर देके इसको फिल करना है ये ध्यान में रखिए जहाँ कलर देना है उसको टोटल फिल करना है नहीं तो कलर एक के साथ और एक मिक्स हो जाएगा तो ये पोर्शन में मैंने कलर हमको नहीं देना है इसीलिए मैंने थोड़ा छोड़ दिया इसको फिर इसको मैंने ब्लॉक कर दिया ऐसे। तो ऐसे मैंने पूरा आउटलाइन बना लिया इसके बाद ये जो नीचे का पेपर है जो स्केचिंग है इसको हम हटा देंगे तो ये हो गया मेरा आउटलाइन अभी इसको थोड़ा ड्राई करना है ट्वेंटी टू थर्टी मिनट्स इसको ड्राई करना है इसके बाद इसके बाद इसके ऊपर हम लोग कलर अप्लाई करेंगे क्योंकि ये ड्राई नहीं होने से ये हाथ में लग के ख़राब हो सकता है इसीलिए इसको थोड़ा ड्राई करना है सो so, इसको ड्राई करने देते हैं ड्राई हो जाने के बाद हम कलर करेंगे तो फ्रेंड्स अभी हम लोग इसको कलर करेंगे तो देखते जाओ कैसे कलर देना है फर्स्ट हम इसमें रेड कलर देंगे ये जो ऊपर का पार्ट है इसमें रेड देंगे तो इतना सारा कलर होता है कलर में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन दस कलर होता है तो हम फर्स्ट रेड से स्टार्ट करते हैं यह है रेड टोमेटो रेड बोल के टी रेड मीन्स टोमेटो रेड बोल के कलर होता है इसको हम ऊपर देते हैं कलर देने का टेक्निक है ऐसे ड्रॉप टाइप का कलर देना है ऐसे करके कलर तुम लोग को देना है और प्रॉब्लम है इसमें बबल्स आ जाता है जितना ज़्यादा बबल्स होगा उतना ख़राब लगेगा देखने में तो ट्राई करना है ताकि बबल्स ना आए अगर बबल्स आ गया तो हम लोग जो सेफ्टी पिन है हम लोग के पास उससे वो बबल हटाना है ऐसे मैंने कलर दे दिया और जो ईयरबड लिया इससे एक कलर को हम ऐसे फैला रहे हैं क्योंकि थिक टाइप का कलर है इसको हम थोड़ा तो एकदम कॉर्नर तक दे देंगे ग्लास पेंटिंग करने का टाइम कलर देने का टाइम ये ध्यान रखना है ये फ्लैट होना चाहिए फ्लैट सरफेस में ये क्लास का जो ये ग्लास है ग्लास या एच पी शीट जो भी है वो फ्लैट सरफेस में रहना चाहिए ऐसे डाउन हो गया तो कलर उस तरफ चला जाएगा ठीक है ऐसे मैंने रेड कलर दे दिया और दो तीन ईयरबड लेना है क्योंकि अगर मैंने दूसरा कलर को मैंने रेड से मिक्स करने का ट्राई किया तो इसमें कलर आ जाएगा रेड कलर आ जाएगा इसके बाद हम ये कलर देंगे इसमें हमको देना है स्काई ब्लू स्काई ब्लू दे देते इसमें ये देखो बाबल गया तो तुम लोग को क्या करना है ऐसे सेफ्टी पिन लेके इसको बस्ट कर और ज़्यादा बबल्स आ गया तो क्लॉथ से ऐसे इसका इसको साफ़ कर लेना ऐसे बबल्स ऐसे आ गया ऐसे नाइन्टी डिग्री के एंगल में देने से बबल्स कम आएगा तो मैंने ऐसे कलर दे दिया ब्लू स्काई ब्लू दे दिया इसको भी इस साइड से मैंने रेड किया तो ऑपोजिट साइड से इसको भी स्प्रेड कर रहे हैं। उसे स्प्रेड कर दिया इसीलिए मैंने बोला अगर गैप रह गया लाइनिंग के टाइम जब लाइनर यूज़ किया उसमें गैप रह गया तो ये जो कलर है ये रेड में चला जाएगा एक्चुअली ग्लास पेंटिंग का जो फ्रेमिंग होता है ये इसके पीछे एक फॉयल पेपर या वाइट पेपर दे के फ्रेमिंग करना पड़ता है इसीलिए कुछ प्लेस ब्लैंक भी छोड़ना चाहिए ग्लास पेंटिंग में देखने में अच्छा लगता है तो जितना सारा बॉक्स है उसमें हम कलर नहीं देंगे कुछ बॉक्स को हम ऐसे ही छोड़ देंगे देखिए इधर आ गया थोड़ा कलर इसको मैंने हटा दिया सबसे अच्छा है कलर करने का टाइम अगर एक बॉक्स छोड़ छोड़ के कलर किया और ड्राई होने के बाद हम लोग दूसरा बॉक्स यूज़ किया तो और भी अच्छा होगा लेकिन ऐसे करने से ये वीडियो बहुत जा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसीलिए मैंने किया तुम लोग जब करोगे तो ऐसे एक बॉक्स छोड़ छोड़ के कलर भी दे सकते हो और भी अच्छा इफ़ेक्ट आएगा देखो ये मेरा थोड़ा कलर घुस गया इसीलिए ऐसे हो गया लेकिन कोई बात नहीं पीछे से अगर मैंने फ्रेम किया इसको तो वो जो ग्लिटर शीट ग्लिटर शीट नहीं सॉरी फॉयल पेपर देके फ्रेम करने का टाइम इतना ध्यान नहीं आता है क्राइस्ट का ड्रेस तो वाइट होता है तो हम बाद में देंगे तो हम भी ऐसे एक छोड़ के करके दिखाता है ये दो में अभी हमारे कलर नहीं दिया इसमें कलर देना है हमको इसमें हम देंगे पिंक तो पिंक दे देते हैं इसमें मैं पहले ही बोला जितना कम बाबल्स होगा उतना अच्छा रहेगा ये देखो बहुत सारा बाबल्स आ गया तो इसको हमको अभी हटाना है कैसे हटाएँगे ऐसे एक साइड लेके इसको बाहर कर देंगे ऐसे सबसे अच्छा है एक ऐसे ज़्यादा कलर एक प्लेस में दे दिया उसके बाद हम एयरबर्ट से इसको स्प्रेड कर देंगे इसी एयरबर्ट से इसको स्प्रेड कर दिया और मेरा बबल्स भी चला गया तो इतना दूर तक मैंने कलर दे दिया इसके बाद हम स्किन में कलर देंगे स्किन में होगा ब्राउन तो फर्स्ट फेस से स्टार्ट करते हैं थोड़ा ब्राउन दिया और थोड़ा दिया गोल्डन येलो तो और भी अच्छा लगेगा देखिए बाबल्स आ गया तो इसको हटाना है फेस में मैंने थोड़ा ब्राउन दिया और दिया गोल्डन येलो ताकि एक अच्छा इफेक्ट आए ज़्यादा ब्राउन देने से एकदम डार्क टोन हो जाएगा ऐसे लाइट एंड शेड भी हो सकते हैं। इस टाइप का मैंने बना लिया सेम हाथ में भी देना है और हैंड और लेग में भी देना है लेकिन अभी देने से ये कलर बाहर निकल जाएगा इसीलिए मैं थोड़ा ड्राई होने देता हूँ इसको सेम तरीके से इसको देना है अभी ये ड्रेस में हम कलर दे देते एक्चुअली ड्रेस वाइट होता है तो इसमें वाइट कलर है लेकिन मैंने वाइट नहीं दिया इसको छोड़ दिया ट्रांसपेरेंट वो जो पीछे का जो बैकग्राउंड आएगा वो सही वाइट दिखेगा अभी मैंने ये पार्ट में कलर दे दिया ये रेड होता है थोड़ा छोड़ना है नहीं तो इसके साथ मिक्स हो जाएगा मैंने थोड़ा छोड़ दिया ऊपर उसको बाद में कलर दे रहे जैसे मैंने रेड दे दिया इसमें भी रेड होगा सेम तरीके से ऐसे थोड़ा छोड़ दिया क्या करना है इसको थोड़ा ड्राई होने के बाद इसमें थोड़ा कलर देने से मिक्स हो जाएगा लेकिन देखिए इसमें बहुत ज़्यादा बबल्स आ गए इसको अभी हटाना है यार बर्ड ले कर बबल्स का रहा है जितना कम बबल्स आएगा उतना अच्छा होगा ग्लास पेंटिंग क्योंकि जो बबल्स है ये ड्राई होने के बाद वो प्लेस में ब्लैंक हो जाता है और वो ख़राब दिखता है ओ गया इसको बाद में हम कलर दे देंगे तो अभी नीचे में कलर दे सकते हैं क्योंकि ये अभी तक ड्राई नहीं हुआ ये कलर देने से ये फैल जाएगा इसीलिए हम नीचे कलर दे देते हैं नीचे ये स्टोन इफेक्ट दिखाना है हमको तो ग्रे तो है नहीं इसीलिए हम थोड़ा ब्लैक दे देते हैं इसमें और दे देते हैं थोड़ा वाइट तो ग्रेइश इफेक्ट ले, ले लेगा ऐसे बहुत अच्छा दिखता है दो कलर मिक्स होने से एक नेचुरल टेक्सचर क्रिएट करते हैं कुछ भी नहीं थोड़ा ऐसे इसको मिक्स करने से ऐसे एक नेचुरल टेक्सचर आ जाएगा इसमें ग्रेइश टेक्सचर सेम इसमें भी देना है पहले थोड़ा ब्लैक दे देते हैं ये बबल्स हटा लिया उसके बाद अप्लाई किया वाइट तो थोड़ा ऐसे छोड़ देने से ही उसके साथ मिक्स हो जाएगा वाइट के साथ देखिए कितना अच्छा एक टेक्सचर क्रिएट कर लिया ये सेम वे ऐसे भी इस साइड पे भी देना है हमको जहाँ जहाँ हम स्टोन दिखाना चाहते हैं वो सब कलर दे दिया ऐसे हाथ में मैंने खाली थोड़ा शेड शेडिंग किया ब्राउन से पूरा कलर नहीं दिया ताकि लाइट इफेक्ट आए सेम ऐसे नेक में भी किया और पैर में भी ऐसे ही करना है फेस को कभी ऐसे मत छोड़िए फेस में ऐसे कलर देने से ये कलर अच्छा नहीं दिखता है ब्लैंक होने से अच्छा नहीं दिखता है अभी मेरा बाकी रह गया ये हेयर्स इसमें ब्लैक कलर दे देंगे ऐसे लाइटली ब्लैक कलर देना है इसमें भी थोड़ा लाइट चर्च छोड़ सकते हो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर हम लोग का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इसके बाद जितना भी वीडियो हम इस चैनल में अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और कमेंट में जरूर लिखें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा ऐसे मैंने ब्लैक कलर दे दिया थोड़ा थोड़ा उसमें भी वाइट छोड़ दिया ताकि एक लाइट एंड शेड इफेक्ट है पूरा ब्लैक देने से हेयर्स में मेरा ख्याल से वो ख़राब लगता है सॉलिड टाइप का हो जाता है इसीलिए मैं जब भी ब्लैक यूज़ करता हूँ वा हेयर बनाने के लिए तो मैं थोड़ा वाइट छोड़ देता हूँ तो इसमें जो बबल्स आ गए इसको हटाना है तो थोड़ा मैंने ऐसे छोड़ दिया और ये वाइट होता है ग्राउंड इसको मैंने वाइट ही छोड़ दिया क्योंकि इसको फ्रेम करने के लिए पीछे जो एल्युमिनियम फॉइल यूज़ होता है और वाइट पेपर कुछ भी दे दीजिए तो ये वाइट इफ़ेक्ट अच्छा दिखता है कलर देने से ऐसे जंक हो जाता है इसीलिए मैंने इसे वाइट छोड़ दिया तो ऐसे हो गया मेरा ग्लास पेंटिंग अभी इसको ओवरनाइट ड्राई होने देना है एटलीस्ट फाइव टू सिक्स आवर्स इसको ड्राई करना है और मेरा हिसाब से इसको जब फ्रेम करना है तो इसको उल्टा साइड से फ्रेम कीजिए ये अंदर चला जाएगा और इसका जो पीछे पार्ट है इसका जो पीछे पार्ट है ये ऊपर आ जाएगा इससे क्या होगा बाद में ये साफ़ करने में इजी होगा ठीक है तो फिर मिलेंगे कोई नया वीडियो लेके तब तक के लिए गुड बाय